हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिशा एजुकेशन। तो काफी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, सो रियली सॉरी फॉर दैट। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि है आपका लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो मजे की गारंटी है, इसमें मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। और अब कंटिन्यू आपको वीडियोज मिलेंगे, आप बताना इसके बाद आपको कौन से किस क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए या आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही डीप में समझेंगे क्वेश्चंस अच्छे से। तो क्वेश्चन है हमारा, टी दिया हुआ है एक मैपिंग फ्रॉम पी टू आर टू एम टू क्रॉस टू टू बाई टू आर। इसका मतलब क्या होता है? ये है पी टू आर का मतलब होता है सारे पॉलिनोमियल्स का कनेक्शन। सारे पॉलिनोमियल को हम लोग कलेक्ट करेंगे जो कि टू डिग्री या उससे कम के होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप होंगे, सच दैट ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर। ये इसका कलेक्शन होता है। M2 2 क्रॉस 2R का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर हमारे A B C D यानी कि 2 by 2 का मैट्रिक्स आएगा, जहां पे A B C D बिलोंग करेगा रियल नंबर। ये है हमारा M2 by 2R। ये दोनों वेक्टर स्पेस होते हैं, आप चेक कर सकते हो। हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां से यहां तक डिफाइंड है इस तरीके से, TFX is equals to F dash 0 to F1 0 F double dash 3। हमें निकालना है, कंप्यूट करना है टी अल्फा बीटा। अब ये क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है, मतलब हमें मैट्रिक्स निकालना है टी अल्फा बीटा। तो अब ये मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे और क्या होगा इसका मतलब, ये सब चीजों को समझते हैं अच्छे से। अल्फा क्या है देखो, ये है अल्फा एक बेसिस है, ये है बेसिकली 100 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
फाइंड करना है टी, यानी कि मैट्रिक्स, मतलब लीनियर मैप का मैट्रिक्स बनाना है बीटा का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब इसका मतलब क्या हुआ बीटा का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस हो तो उसके रिगार्डिंग हमें हमारे पास बेसिस होता है। बेसिस का मतलब क्या होता है कि बेसिस अगर मान लो बीटा है, इसके अंदर अगर एलिमेंट्स है तो उसमें हम सिर्फ उतने ही वेक्टर्स को लेते हैं। मान लो 3 वेक्टर्स को हमने लिया, इससे होगा क्या कि इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम वी के हर एक एलिमेंट को जनरेट करते हैं। मतलब कोई भी अगर एक रैंडम वी को लेते हैं हम लोग वेक्टर स्पेस से, तो हम लोग a1v1 प्लस a2v2 प्लस a3v3, तो इसी के जोड़ तोड़ से हम इस वी को बना देंगे। कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है और 50 रुपए का नोट है और आपको 250 रुपए देने हैं किसी को, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए का 2 नोट लोगे, 50 रुपए का 1 नोट लोगे और आपका 250 रुपए बन जाएगा। तो सेम काम हम यहाँ पे करना है। ये मैं बहुत ही डिटेल में चल रहा हूँ कि जो बच्चे ने वेक्टर स्पेस नहीं भी पढ़ा है, मतलब बेसिक्स उन्हें नहीं पता है, उन्हें भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा। तो अब देखो बीटा अगर हमारे पास v1 v2 v3 है तो हम क्या करेंगे, मैपिंग हम निकालेंगे v1 का, टी हम निकालेंगे मैपिंग v2 का और टी हम निकालेंगे v3 का। अगर हमने इन तीन एलिमेंट्स का अगर मैपिंग देख लिया कि तीन एलिमेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं जो बेसिस एलिमेंट है, तो इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और बोलते हैं ये मैट्रिक्स बना रहा है। तो आप देखो कि P2R मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। अब इसका बेसिस क्या होता है, तो इसका बेसिस एलिमेंट होता है ये, जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है 1x2। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके एलिमेंट किस तरह के दिखते हैं, ax2 प्लस bx+c। तो इसका बेसिस एलिमेंट होता है 1x एंड x2। तो हम देखेंगे टी ऑफ 1 कितना आ रहा है, टी ऑफ x देखेंगे, टी ऑफ x2 देखेंगे। देखो टी ऑफ हम लोग पहले देखेंगे 1 कितना दे रहा है, टी ऑफ x कितना आ रहा है और टी ऑफ x2 कितना आ रहा है। क्योंकि हमारा हमें मैपिंग कहाँ से डिफाइंड है, अगर आप देखो तो p2r से। तो हमें पूरे p2r का एलिमेंट का नहीं निकालना है मैपिंग, हमें सिर्फ निकालना है इसके बेसिस एलिमेंट का, मतलब कि बेसिस एलिमेंट कहाँ पे मैप हो रहा है उसका इमेज हमें निकालना है। तो यानी कि बेसिस एलिमेंट क्या है, 1x2। तो 1 का इमेज कहाँ आ रहा है, तो टी ऑफ 1 देखो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, f' यानी fx की जगह पे हमने क्या लिया है, इस बार 1 लिया है। तो अगर हमारा fx 1 है तो f' 0 कितना आएगा, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0, तो f' 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर हमें निकालना है 2f1, तो f1 1 आएगा, 2 टाइम्स f1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। f"' 3, तो f'x 0 है, डबल डैश करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा t1। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे tx, एक बार डेरिवेट करेंगे तो आएगा 1 और 0 पुट करेंगे तो आएगा 1। 2f1, f1 आएगा 1 और 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 2, 0 के जगह 0 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा।
टी एक्स स्क्वायर, तो एक बार डेरिवेट करेंगे तो आएगा 2x, 0 पुट करेंगे तो 0, 2 टाइम्स f1, x स्क्वायर में 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, ट्वाइस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 की जगह हो जाएगा 0, डबल डैश करेंगे दो बार डेरिवेटिव तो 2x और एक बार और डेरिवेट करेंगे तो आएगा 2। तो ये हमारा आ गया सारे बेसिस एलिमेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये पहुंच कहां रहे हैं, ये सारा एलिमेंट बिलोंग कहां कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है ये इमेज बिलोंग कर रहा है m 2 by 2 r में। देख लो आप जैसे यहां का कोई भी एलिमेंट लोगे और आप उसका इमेज देखोगे तो इमेज तो यहां आएगा, तो यहां पे हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इसके बेसिस एलिमेंट्स, m 2 2 r के बेसिस एलिमेंट्स। तो कैसे होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 टाइम्स 1 0 0 0, क्योंकि ये है बेसिस एलिमेंट। फिर क्या लिखेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिस एलिमेंट यही है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग m 2 2 r के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 1 0 0, क्योंकि देखो आप दुगना करोगे यहाँ पे तब ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड पोजिशन पे 0 है तो ऐसे करेंगे 0 टाइम्स 0 0 1 0, क्योंकि 0 टाइम्स करेंगे इसको तो 0 आ जाएगा थर्ड पोजिशन पे। और फोर्थ पोजीशन पे हमारा फोर्थ एलिमेंट बेसिस एलिमेंट क्या है 0 0 0 1, अब इसको भी करना पड़ेगा 0 टाइम्स। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा, हम लोग करते क्या है, जब हम लोग टी ऑफ बीटा अल्फा लिखेंगे तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, हम कॉफिशियंट्स को लिखेंगे, ये जो कॉफिशियंट आ रहा है 0 2 0 0, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0 2 0 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टी ऑफ वन निकाला, टी ऑफ वन क्या आ रहा है 0 टाइम्स इसका बेसिस एलिमेंट, 0 टाइम्स फर्स्ट बेसिस एलिमेंट, 2 टाइम्स सेकंड बेसिस एलिमेंट, 0 टाइम्स थर्ड बेसिस एलिमेंट एंड 0 टाइम्स फोर्थ बेसिस एलिमेंट, ये आ गया हमारा टी वन। उसी तरह से हम लिखेंगे टी एक्स, तो आप टी एक्स देख सकते हो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे था 0 2 0 0 तो यहाँ पे आया 0 2 0 0, वैसे इसको जब आप लिखोगे तो लिखोगे 1 टाइम्स फर्स्ट बेसिस एलिमेंट, 2 टाइम्स सेकंड बेसिस एलिमेंट, 0 टाइम्स थर्ड बेसिस एलिमेंट एंड 0 टाइम्स फोर्थ बेसिस एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 1 2 0 0 1 2 0 0। और लास्ट हो जाएगा ये वाले का, अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 0 2 0 2। तो ये आप देख सकते हो एक 4x3 का एलिमेंट बन रहा है। 4x3 का क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है ये वाला, इसका अगर आप देखो तो बेसिस 4 है, इसका हम लोग बोलेंगे डायमेंशन 4 है, बेसिस में अगर 4 एलिमेंट है तो बोलते हैं डायमेंशन 4 है, इसका डायमेंशन 3 है। तो जब भी अगर मैट्रिक्स बनेगा तो आपको याद रखना है वो उल्टा बनता है, यानी 4x3 का ऑर्डर का बनेगा। तो ये हमारा हो गया टी एक्स, ये वाला आ गया टी एक्स, और ये वाला हो जाएगा टी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इंटरेस्टिंग था। इसका मतलब हम लोग सारे लीनियर मैप को हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, और सारे मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो तो उससे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना। तो अगर आपको इक्वेशन में मजा आया और समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट बार कैसे हम लोग एक मैट्रिक्स को कैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको बताऊं। थैंक यू सो मच।